तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये है फैन बॉक्स, इसको हमने जो है कि प्रॉपर यहाँ से सील कर दिया, देख सकते हैं जरा सा भी कहीं से भी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद मामूर, आप देख रहे हैं करंकिया वाले ब्लॉग्स चैनल। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे अभी मैं यहाँ छत पे चढ़ा हुआ हूँ। तो दोस्तों अभी मैं पीछे का कैमरा चालू करके आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरह से दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करने तो के लिए आया। देख सकते हैं मैं अभी अपने गांव में ही हूँ। तो ये जो है कि मेरा जो है कि गांव का ही मेरे बड़े अंकल का लड़का है, इसका नाम है नकीम। तो इसका जो है कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे छत ढलैया हो रहा है, ठीक है, होना है। तो अभी यहाँ पे सरिया बांध दिया गया है। तो हम यहाँ किस लिए आए हैं इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, तो अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको कॉन्सील बॉक्स और जो है कि फैन बॉक्स देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं ये है पाइप। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो है कि यानी कि बल्ब के लिए और फैन के लिए जो है कि यहाँ पे हम ये सारा जुगाड़ यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। तो कॉन्सील लाइट लगाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्सील बॉक्स लिया हुआ है, और फैन लगाने के लिए फैन बॉक्स यहाँ पे अभी हमें जो है कि सरिया बांधा हो गया है। अब यहाँ पे हमको इसको सेटिंग करना है, पाइप लगाना है, ठीक है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि रूम कितना है, देख सकते हैं ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो ये एक रूम हो गया यहाँ से लेकर के इधर, ठीक है। उसके बाद ये रूम और यहाँ पे जो सामान रखा हुआ है ये यहाँ से मैं आप लोगों को बीम दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं इस तरह से यहाँ से लेकर के ये जो है कि एक रूम हो गया, ठीक है। दो रूम है, बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला एरिया और ये जो दिख रहा है आपको ये सामने वाला एरिया और ये एरिया, ये फ्री एरिया है यानी कि आंगन के साइड का। और ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटा सा किचन रूम है, बाकी इधर ये रूम देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है कि जो भी इस्तेमाल में लेना है रूम को, किचन बनाना है, किचन बाथरूम बनाना है, बाथरूम या गेस्ट रूम जो भी बनाना है यहाँ पे ये बना लेंगे। बाकी ये वाला जो एरिया देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्री एरिया, ठीक है। तो इतना सा लगभग जो है दोस्तों यहाँ पे 1100 एरिया है। तो इसमें दोस्तों हम जो है कि कॉन्सील लाइट और फैन बॉक्स जो है कि डालेंगे, उसके बाद पाइप लगाएंगे वायरिंग के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग के लिए। तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया, बाकी मैं आप लोगों को जो है कि छत के ऊपर से अपने गाँव का व्यू दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है हम लोग जो है कि गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमारे गांव का जो है कि व्यू ऐसा है। ये जो सामने आप लोगों को मस्जिद दिख रहा है ये हम लोगों के गांव का जुमा मस्जिद है। बाकी यहां से मेरा घर भी दिख जाएगा आपको, यहां पे देख सकते हैं, ये मैं थोड़ा जूम के दिखाता हूँ। ये जो मीनार दिख रहा है ये हमारे दरवाजे पर का जो है कि हमारा जो पंचवक्ता मस्जिद है उसका मीनार है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ। बाकी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि दोस्तों ये जो कॉन्सील लाइट है इसमें बहुत सारे लोग जो है कि रेता भरते हैं, बहुत सारे लोग मिट्टी भरते हैं, बहुत सारे लोग पेपर से इसको जो है कि जाम करते हैं। तो दोस्तों आज हम इसको जो है कि पेपर से जाम नहीं करने वाले, यानी कि इसको जो है कि यानी कि हम टेप लगा करके पूरी तरह से इसको सील करेंगे। तो किस तरह से इसको सील करते हैं आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और किस तरह से पाइप कहाँ पर लगाया है, किस तरह से लगाना है, ये सारी बातें आप लोगों को A to Z जानकारी देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करिए। आप लोगों ने 3 मिनट जो है कि वीडियो देख लिया है, वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो आप लोगों को तो जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैं टेप लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक डब्बा जो है कि टेप यानी कि एक बॉक्स में जो है कि यहाँ पर मैं आप लोगों को टेप लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है कि दोस्तों हम इसको सील करते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मैं पहले इसको सील कर लेता हूँ, तो आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे।
करीब लग। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये है फैन बॉक्स, इसको हमने जो है कि प्रॉपर यहाँ से सील कर दिया, देख सकते हैं जरा सा भी कहीं से भी इसमें गैप नहीं है। बाकी ये जो साइड वाला होल है इसको भी हमने यहाँ पे प्रॉपर बंद कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे टेप लगाने से दोस्तों यहाँ पे फायदा क्या होता है कि हम जो इसके अंदर में बहुत सारे लोग जो है कि रेता डाल देते हैं, कोई मिट्टी डाल के जो है कि कोई पेपर डाल देते हैं, तो पेपर डालने से रेता डालने से क्या होता है कि फिर भी थोड़ा सा जो है कि कहीं ना कहीं गैप रह जाता है। तो हम यहाँ पे जो माल ढलैया होता है जो है कंक्रीट का, वो जो है कि इसके अंदर में मसाला जो है कि भर जाता है, तो पाइप का मुंह जो है कि वो भी जाम हो जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो पाइप को डालेंगे इसके अंदर में, तो पाइप के मुंह पे भी जो है कि हम लोग टेप लगाएंगे। ये हमने फैन बॉक्स दिखाया था, अभी देख सकते हैं ये हमारा कॉन्सील बॉक्स है, तो इसको भी दोस्तों हमने यहाँ पे प्रॉपर सील कर दिया। इससे दोस्तों फायदा ये होता है कि इसके अंदर में जरा सा भी जो यानी कि जो मटेरियल यहाँ पे हमारा यूज होगा कंक्रीट का मसाला, वो इसके अंदर में जरा सा भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। हमें जिस होल का जरूरत पड़ेगा उसी होल को जो है कि हम यहाँ पे सिर्फ खोलेंगे। तो दोस्तों ये इतना सारा है यहाँ पे, यानी कि 24 पीस हमारा कॉन्सील लाइट है, कॉन्सील बॉक्स है, और दोस्तों ये जो है कि 8 पीस हमारा फैन बॉक्स है। तो जिस तरह से यहाँ पे हमने इन सब चीज को जो दोस्तों यहाँ पे है, इसी तरह से सब कुछ को यहाँ पे दोस्तों हमें सील करना, सारा को यहाँ पे सील कर लेते हैं। तो दोस्तों अब जो है यहाँ पे हम वीडियो बनाने वाले हैं वो थोड़ा फास्ट मोड में होगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने फाइनली जो है कि हमारा जो कॉन्सील बॉक्स था यहाँ पे 24 पीस कॉन्सील बॉक्स है, देख सकते हैं यहाँ पे, बाकी 8 पीस जो है कि हमारा यहाँ पे फैन बॉक्स है, सब में हमने जो है कि यहाँ पे प्रॉपर टेप लगा लिया है। अब दोस्तों इसको क्या करना है कि हमें फैन बॉक्स को उसके जगह पर लगाना है जहाँ जहाँ पर सेटिंग होता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फैन बॉक्स और कॉन्सील बॉक्स को जहाँ पर हमें जितना सा लगाना है जिस रूम में जब पीस करके, तो उस हिसाब से इसको अलाइन कर देते हैं, यानी कि जगह पे पकड़ा देते हैं। इसके बाद दोस्तों इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ पे लाए हुए हैं कील लाए हुए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये है 5 इंच का कील, यानी कि दोस्तों अगर हमें इस बॉक्स को यहाँ पे मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ, अगर यहीं पे लगाना है तो यहीं पे जो है कि दोस्तों हम कील ठोक के इसके बीच में सेंटर में जो है कि इसको। तो दोस्तों जहाँ पे हमने कॉन्सील बॉक्स लगाना था वो देख सकते हैं यहाँ पे, ये रूम में मैं दिखा रहा हूँ। तो इस रूम में दोस्तों हमने जो है कि 4 कॉन्सील बॉक्स लगाया है, बाकी 2 फैन बॉक्स लगाया, ठीक है। क्योंकि दोस्तों रूम में क्या है कि किसी एक साइड ही जो है कि आपका बेड लगता है, जो आपका 20 सेंटर में जो है कि बेड नहीं लगता है, जिसकी वजह से हम जो है कि 20 सेंटर में जो है कि फैन बॉक्स नहीं डाले हैं, यानी कि एक रूम में 2 फैन बॉक्स डाले हैं। अगर हमारा बेड उस साइड लगता है तो हमें उस साइड जो है कि उस वाले यानी कि फैन बॉक्स में फैन लगाएंगे, अगर हमारा बेड इस साइड में लगता है तो इस साइड में जो है कि हम यानी कि फैन लगाएंगे इस वाले फैन बॉक्स में। तो यही कंडीशन है, 2 यानी कि 2 मेन 2 रूम है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है इसमें हमने 20 सेंटर में जो है कि फैन बॉक्स दिया है। तो यहाँ का कंडीशन क्या है कि ये एरिया फ्री रहेगा हमेशा बैठने उठने के लिए, तो यहाँ पे जो है कि सोने का कोई इंतजाम नहीं है। बाकी तो यहाँ पे जो है कि हमने 20 सेंटर में फैन बॉक्स दिया, बाकी जहाँ जहाँ हमें फैन बॉक्स और जो है कि कॉन्सील बॉक्स लगाना था वो हमने लगा लिया है। बाकी अब क्या करेंगे, इसमें पाइप डालते हैं। तो पाइप डालने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे हमने किस तरह से कहाँ पे जो है इसका कनेक्शन बनाया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इतना दूर आप लोग वीडियो देख लिए हैं, वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है कि पाइप अच्छी तरह से डाल दिया है, जहाँ पर हमें जो है कि बोर्ड के लिए जो भी पॉइंट हमें गिराना था वो हमने नीचे के साइड दीवार पे गिरा दिया है। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को आज का मौसम दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये काम जो है कि हम कल से कर रहे हैं, हम अकेले हैं, एक बंदा मेरे साथ में हेल्पर है बस, ठीक है। तो कल काम नहीं हो पाया था, कल जो है कि 3 बजे तक काम किए, फिर उसके बाद जो है काम बंद कर दिए, तो अभी जो है कि लगभग आधा घंटा हमें काम करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पैप अच्छी तरह से डाल दिया है, बाकी आज का मौसम देख लीजिए काफ़ी कोहरा है। बाकी अभी जो है टाइम है वो 9:05 हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है कि धूप का कहीं नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने पैप किस तरह से डाला है। तो जो मैंने स्टार्टिंग किया है वो इधर से किया है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये एक रूम है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, देख सकते हैं यहाँ से बीम है और इस सामने से बीम है, ये एक रूम है, देख सकते हैं। वो जो सबसे लास्ट में आपको बल्ब दिख रहा है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला बल्ब यानी कि बाहर के साइड में है, इसको जो है कि छत का छज्जा बोल सकते हैं, इसमें लगा दिया है। और यहाँ पे इस रूम के अंदर में यानी कि 2 बल्ब दिए हैं और एक फैन बॉक्स है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो पैप आया फैन बॉक्स से इस वाले पैप के पास में, तो दोस्तों ये हमारा मेन लाइन हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये वाला जो पैप देख सकते हैं ये जो हमने यहाँ पर गिराया है ये हमारा बोर्ड के लिए हो गया, ठीक है। तो इस रूम का कनेक्शन हो गया यहाँ पे ख़त्म, बाकी ये देख सकते हैं ये है आगे में बरामदा, ठीक है।
तो इसमें दोस्तों बीच सेंटर में हमने फैन बॉक्स लगाया है, बाकी जो यहाँ पे देख सकते हैं कौनसिल बॉक्स है वो हमने यहाँ पे चार लगाया है, यानी कि इस बरामदे में, और जो है कि एक छत के छज्जे में यहाँ पे लगाया, ठीक है। और ये वाला जो देख सकते हैं यहाँ पे पाइप, ये वाला पाइप यहाँ पे मेन लाइन हो गया हमारा, क्योंकि दोस्तों हमारा जो मीटर रहेगा दीवार पे रहेगा इसी सामने में, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो है कि इधर का मेन लाइन इधर लिया है, और ये जो बरामदा का मेन लाइन है वो हमने यहाँ से लेते हुए ये देख सकते हैं यहाँ पे फैन बॉक्स में, इस बॉक्स से कनेक्ट होकर के फैन बॉक्स में कनेक्ट हुआ है। बाकी देख सकते हैं यानी कि ये जो बरामदा का मेन बोर्ड है हमारा यहाँ पर रहेगा इस वाले दीवार पर, ठीक है। तो ये इधर मैंने दो आप लोगों को बता दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं ये जो है कि हमने मेन लाइन वहाँ से स्टार्ट किया, उस सामने से जो है कि कौनसिल बॉक्स से होते हुए फैन बॉक्स, फिर फैन बॉक्स से होते हुए इस कौनसिल बॉक्स में आया है। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं ये जो है कि इसको यानी कि ये रास्ता है बीच में, देख सकते हैं इतना सा, तो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ से मैं अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये जो है कि यहाँ पे जो दो कौनसिल बॉक्स लगा हुआ है, तो दोस्तों ये रास्ता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमने जो है कि रास्ता पे जो है कि दो कौनसिल बॉक्स लगाया है, और इसके लिए दोस्तों जो है कि मैंने बोर्ड यहाँ पे डाला है, देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ये जो कौनसिल बॉक्स हमने दो डाला है रास्ते पर, तो इसके लिए दोस्तों मेन बोर्ड यहाँ पर हमने डाला है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं इस बॉक्स से, यानी कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये जो है कि हमारा मेन लाइन इधर से होते हुए आ करके इस कौनसिल बॉक्स से होते आ हुए ये देख सकते हैं जो आंगन के तरफ जो बरामदा है इसमें हमने यहाँ पे ले लिया है। इसके बाद दोस्तों एक रूम यहाँ पे है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बीम है, इस तरह से दोस्तों एक रूम इधर है, तो देख सकते हैं रूम के अंदर में हमने यहाँ पे चार जो है कि कौनसिल बॉक्स लगाया है, बाकी दो फैन लगाया है। तो फैन का देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने पाइप किस तरह से डाला है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो बेड लगेगा वो तो चाहे पूरब साइड लगेगा इस रूम में, या फिर जो है कि दोस्तों दक्षिण साइड लगेगा, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे फैन बॉक्स लगा दिया है, ताकि जो हमारा पंखा लग सके नीचे वो जो है कि हमारे बेड के सामने में रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका पाइप डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों इस रूम में यानी कि हमने जो है कि बोर्ड के लिए दोस्तों यहाँ पे दो पाइप डाला है, देख सकते हैं यहाँ पे एक पाइप यहाँ पे गया है हमारा, और जो दूसरा पाइप है वो यहाँ पे हमने इस साइड डाल दिया, ठीक है। जो मकान मालिक है उसका कहना था कि दो जगह पे पाइप गिराना है, तो यानी कि दीवार पे, तो हमने यहाँ पे दो जगह पाइप गिरा दिया है। बाकी इस रूम में जो दोस्तों हमारा मेन लाइन आएगा वो देख सकते हैं यहीं से आएगा, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं जो रास्ता वाला है इसी से दोस्तों हमारा यानी कि बोर्ड का भी कनेक्शन हो जाएगा, बाकी इस रूम में जो हम इस वाले रूम में जो हम मेन लाइन लेंगे तो वो यहीं से लेंगे, क्योंकि दोस्तों नीचे जो है कि दीवार में जो कटिंग होगा इसके थ्रू दोस्तों हम यहाँ पर जो है कि इस वाले रूम में मेन लाइन ले लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने काम इस तरह से किया है, पाइप इस तरह से डाला है ताकि हमें झेरी बहुत ही कम मारना पड़ेगा, ठीक है। हमने जो है कि पूरा तरह से कनेक्ट किया हुआ है सबको, यानी कि इस सामने से देख सकते हैं हमने इस सामने से इस वाले एरिया को कनेक्ट किया है मेन लाइन के लिए, और दोस्तों इस सामने से हमने इस रूम को कनेक्ट किया है, देख सकते हैं यहाँ पे दो रूम है, ठीक है। बड़ा जो रूम है हमारा यानी कि बेडरूम वो दो है, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसमें भी दोस्तों हमने जो है कि दो यानी कि फैन बॉक्स लगाया है, बाकी चार जो है कि कौनसिल बॉक्स लगाया, ठीक है। तो इसका दोस्तों देख सकते हैं पाइप का क्या हिसाब किताब है। तो जैसा कि मैंने दिखाया था देख सकते हैं हमारा वहाँ पे जो है कि मेन लाइन गया है वो बॉक्स से होते हुए फैन बॉक्स में आया, ठीक है, फैन बॉक्स से कौनसिल बॉक्स में। उसके बाद दोस्तों ये पाइप देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट हमारे जो है कि इस वाले रूम में यानी कि फैन बॉक्स में आ गया, ठीक है। तो मेन लाइन हमारा इस रूम में आ चुका है। बाकी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस रूम में भी जो है कि मेन बोर्ड के लिए दोस्तों यहाँ पर दो पाइप गिराया हुआ है, ये देख सकते हैं एक इस वाले पूरब साइड में, और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है कि हमारा फैन बॉक्स से कनेक्ट होते हुए आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं यानी कि इस रूम में भी हमने जो है कि दो जगह पाइप गिराया है बोर्ड के लिए, ठीक। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं हमारा इस कौनसिल बॉक्स से आ चुका है हमारा ये जो है कि किचन रूम में, ठीक है। तो किचन रूम में हमने सिर्फ दो कौनसिल बॉक्स लगाया है। उसके बाद दोस्तों जो बोर्ड लगाया है हमने बोर्ड के लिए मेन बोर्ड के लिए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने गिरा दिया है, क्योंकि दोस्तों पश्चिम साइड से जो है कि रूम के अंदर में छज्जी है, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर गिराया है, ताकि दोस्तों यहाँ पे जो भी मिक्सी वगैरह चलाना होगा रूम के अंदर में तो हमारा जो है कि मेन बोर्ड यहाँ पे रहेगा, तो बोर्ड भी यानी जो 5-pin स्विच है वो भी यहीं पे रहेगा। इसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं बरामदा है, ठीक है। बरामदा के लिए दोस्तों मेन लाइन तो हमने यहाँ से ले लिया है, ठीक है, ये हमारा फैन बॉक्स में मेन लाइन आ चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बरामदा में हमने एक बोर्ड यहाँ पर डाला है, और बरामदा में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दो फैन बॉक्स है, दो कौनसिल बॉक्स है बस। उसके बाद दोस्तों ये जो है कि बाहर के साइड यानी कि आंगन के साइड जो छज्जी है, छत का छज्जी, इसमें हमने एक बॉल जो है कि कौनसिल बॉक्स यहाँ डाला है, एक कौनसिल बॉक्स यहाँ डाला है, ठीक है। तो इसको दोस्तों हमने बरामदे वाले स्विच से जो है कि यानी कि मेन बोर्ड से कनेक्ट किया है, तो यानी कि जो हमारा जो छज्जी वाला जो छत का छज्जी है जो हमने बाहर के साइड में लगाया है, तो ये जो है कि हमारा जो बरामदा में बोर्ड रहेगा
उससे कनेक्ट होगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक जो है कि मेन बोर्ड के लिए वहाँ पे गिरा दिया है और जो है कि एक वहाँ पे गिरा दिया है। तो दोस्तों फाइनली मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि हमने जो यहाँ पे पाइप डाला है किस तरह से डाला है और किस तरह से डाला जाता है, ये अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे डाल दिया। बाकी जो लोग इस काम में एक्सपर्ट हैं उसको अगर इससे ज़्यादा अच्छी नॉलेज है तो वो लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने ये काम गलत किया या फिर ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो वो आप लोग जो है कि हमें बता सकते हैं। बाकी मैंने अपने हिसाब से प्रॉपर डाल दिया है क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पे जो है कि मेन लाइन के लिए हमें दीवार पे झिरी मारने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों हमने सब कुछ छत में ही डाल दिया है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आएगा 240 वोल्ट जो है हमारा जो है कि मेन पोल से आएगा, तो उसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पे पाइप नहीं डाला है, ठीक है। इसलिए पाइप नहीं डाला है क्योंकि दोस्तों वो जो है कि हमारा जो सर्विस वायर है ना वो दिखना चाहिए बाहर से, ठीक है। जो भी यानी कि सरकारी कर्मचारी आएंगे बिजली विभाग का तो उसको जो है कि जो सर्विस वायर है वो दिखना चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों हम जो है कि बाद में उसको लगाएंगे ऊपर से ही, ठीक है। तो बोर्ड वाला जो है यानी कि हमारा जो मकान के अंदर में जो भी वायर आएगा वो पूरा जो है कि हमारा पैक हो जाएगा यानी कि पाइप के थ्रू, लेकिन जो हमारा जो सर्विस वायर रहेगा जो है कि पोल से आएगा वो बाहर में दिखेगा, ठीक है। मीटर इसी सामने लगेगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर दिखा दिया है कि किस तरह से वायरिंग किया जाता है यानी कि पाइप डाला जाता है, कहाँ पे कौन सी बॉक्स किस तरह से सेट किया जाता है, जो मुझे जानकारी था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो अगर आप लोगों को जरा सा भी अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को जो है कि किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप लोग जो है कि हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद।